हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्य एट किचन। आज मैं आपको राजमा मसाला बना करके दिखाऊंगी, वो भी चांदनी चौक में जिस तरह से बनता है उसी तरह से। और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होगा और ये आपको तब पता चलेगा जब आप भी ट्राई करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने लाल राजमा लिया है और ये मैंने लगभग 4 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ, जो मेरे घर में अभी मौजूद हैं। 4 लोगों के लिए राजमा है, इसे मैंने रात में भिगो दिया और अभी अच्छे से इसे वॉश करने के बाद अब मैं इसे बॉईल करने वाली हूँ। तो चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं इसमें राजमा डाल दूँगी। अब इसमें मैं 3 ग्लास पानी डाल दिया है और मेरा तेजपत्ता बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, जो बचा हुआ है मैं वही डाल रही हूँ। एक बड़ी इलायची जिसको मैंने कूट दिया है तो इसका मुंह खुल गया है, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। एक छोटी इलायची, इसे भी मैंने कूट दिया है, इसका भी मुंह खुल दिया है। 3 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, नमक। यहाँ पे मुझे 3 ग्लास पानी अभी थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें 1 ग्लास और डाल दूंगी। और राजमा की क्वांटिटी, क्योंकि हमारे यहाँ 4 लोग खाने वाले हैं और जिस दिन राजमा भून जाता है उस दिन तो सभी कुछ ज़्यादा ही खाना पसंद करते हैं, क्योंकि सबका फेवरेट है हमारे घर में, मेरे बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट है। तो मैंने 4 ग्लास लिया क्योंकि मुझे इसे कम से कम 6 से 7 विसल आने तक इसे पकाना है। तो अभी मैं सबसे पहले लिड लगा देती हूँ प्रेशर कुकर का और फ्लेम को कर देती हूँ ऑन। अभी मैंने फ्लेम को पूरी तरह से जब गर्म हो जाएगा और 1 विसल आ जाएगा उसके बाद मैं फ्लेम को कर दूंगी लो टू मीडियम। तो जब तक राजमा में 6-7 सीटी आएगी तब तक मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है 1 मीडियम साइज का प्याज, 3 मीडियम साइज के टमाटर, 2 हरी मिर्च, अदरक का एक बड़ा सा टुकड़ा, 6-7 गार्लिक क्लोव्स। तो अभी मैं जो ग्राइंड करूँगी वो प्याज को मैं अलग ग्राइंड करूँगी और हरी मिर्च, अदरक, लहसुन को टमाटर के साथ ग्राइंड करूंगी। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ये जीरा पाउडर है जिसे मैंने रोस्ट कर लिया, रोस्ट करने के बाद इसे दरदरा सा कूट लिया है। कश्मीरी रेड चिली मैं यहाँ पे लूंगी 1/2 टीस्पून, से कलर बहुत ही अच्छा आता है। और गरम मसाला मैं सबसे लास्ट में यूज़ करूँगी इसलिए मैं अभी इसमें मिक्स नहीं करूँगी। और नमक स्वादानुसार, नमक का तो ध्यान रखना है क्योंकि जब राजमा बॉईल कर रही थी तो उस टाइम में भी नमक डाला है और अभी भी डालूँगी, तो आप अपने स्वाद के अनुसार नमक फ्रेश कोरिएंडर लें, जिसे मैं भी चॉप कर लूँगी। उसके बाद सबसे लास्ट में मैं इसे डालूँगी 1/2 टीस्पून मैंगो पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, कुछ खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है राजमा में। चलिए चल करके आगे के प्रोसेस शुरू करती हूँ। तो 6 से 7 सीटी इसमें लग गई, इसका आप देख सकते हैं स्टीम निकल चुका है पूरी तरह से और अब मैं इसे खोल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि राजमा अच्छे से उबल गया है। तो अगर आप चाहें तो, क्योंकि ये मेरा प्रेशर कुकर बिल्कुल नया है इसलिए 6 से 7 सीटी में ये इतना उबल गया, अगर आप इससे थोड़ा कम उबालना चाहते हैं, बॉईल करना चाहते हैं और आपका प्रेशर कुकर पुराना है
तो जाहिर सी बात है कि मुझे जहाँ तक पता है मैं पुराने वाले में अगर बॉईल करती हूँ तो इससे कम बॉईल होता है, इतना ज़्यादा वो नहीं लगता। तो क्योंकि मुझे इतना पसंद है इसलिए मैंने ऐसा किया, इसे इतना उबाला है। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम बॉईल कर सकते हैं, यानी थोड़े खड़े खड़े से अगर दाने आपको पसंद हैं तो आप कम सीटी लगाएँ। लेकिन ये देख लें कि कौन से प्रेशर कुकर में अच्छे से कितने टाइम में कितनी विसल में बॉईल होता है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तेल, ये मैं 1 टी स्पून इसमें डाल रही हूँ जीरा। अब इसमें डाल रही हूँ मैं प्याज का पेस्ट। तो अब मैं इसे फ्राई करूँगी। प्याज का पानी सूख जाएगा तब तक इसे भूनना है। तो ये भून चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। इसे मैं कम से कम 6 से 7 मिनट तक भूनूंगी मीडियम फ्लेम पर, और बीच में ही मैं 1-2 मिनट के बाद अभी ऐड करूंगी इसमें मसाले। 6-7 मिनट के बीच में मसाले ऐड करूंगी। तो 2-3 मिनट के लिए मैं इसे सिर्फ कवर कर दे रही हूं। तो 3 मिनट के बाद अभी मैं कवर हटा रही हूं, इसका लिड हटा दे रही हूं, और लिड हटा करके एक बार इसे इसी तरह से चला रही हूं। और आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा पानी सूख गया है, थोड़ा सा और रह गया अभी, और कम से कम 3 से 4 मिनट मुझे इसे भूनना है। तो अभी सबसे पहले इसमें मैं आपको दिखा दूं कि ये हल्दी, धनिया पाउडर और क्यूमिन पाउडर है, इसे मैं ऐड कर रही हूँ। नमक, अब मैं इसे मिक्स कर दे रही हूँ। इसी तरह से धीरे धीरे करके सारे मसाले अब मैं इसमें ऐड करते चले जाऊंगी। तो अब मैं ऐड कर रही हूँ कश्मीरी रेड चिली, मैंगो पाउडर, अभी मैं इसे फिर लगभग 2 से 3 मिनट के लिए फिर से लिड को इसके ऊपर रख दे रही हूँ। तो अब मैं फिर से एक बार कवर हटा रही हूँ और आपको दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं, अब मैं इसे मिक्स कर दे रही हूँ। ये पूरी तरह से भून चुका है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ राजमा पानी के साथ, जिसके साथ मैंने उबाला वो पानी साथ में है, और इसे मैं मिक्स कर दे रही हूँ। क्योंकि अब इसमें ज़्यादा टाइम और नहीं लगाना है, एक उबाल लाना है और वो एक उबाल आने तक ही इसे और कुक करना है। तो अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ 1/2 टी स्पून गरम मसाला से लास्ट में, इसे मैं कर दे रही हूँ मिक्स। और इसे मैं कर दे रही हूँ कवर।
तो अब मैं लिड हटा रही हूँ। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं कोरिएंडर लीव्स खूब सारा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है अगर फ्रेश कोरिएंडर लीव्स अगर आप ऐड करते हैं। और अब मैं फ्लेम को कर दे रही हूँ। तो राजमा मसाला बन करके रेडी है और मैं इसमें एक बात और आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी, आप थोड़ा ध्यान से सुने। जितना राजमा मैंने इसमें 7 सीटी लगाया और जितना बॉईल किया, अगर इससे आपको कम बॉईल करना है तो आप 5 सीटी लगा लें, अगर आपको दाने बिल्कुल खड़े खड़े से देखने हैं तो। और उसके बाद इस मसाले को फ्राई करें। मसाले फ्राई करने के बाद राजमा के साथ जो पानी ऐड करते हैं कर दीजिए, वो करने के बाद वापस से 1 सीटी लगाइए सबसे लास्ट में। और 1 सीटी लगाने के बाद फिर खोलिए और उसमें गर्म मसाला ऐड कीजिए, कोरिएंडर लीव्स ऐड कीजिए, उसका भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो चलिए अब इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो राजमा मसाला बनकर के रेडी है, आप इसे ज़रूर बनाएं, इसके बाद आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार बेसब्री से रहेगा। अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।